अमेरिका की एक महिला का दावा है कि लॉरियल के हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पर उन्हें गर्भाशय का कैंसर हो गया। महिला के वकील ने बताया कि उसने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। जेनी मिशेल महिला ने मुकदमा दायर करते हुए कहा कि वह पिछले 2 दशकों से इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर हो गया। कुछ दिन पहले ही नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें बालों का स्ट्रेट करने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का गर्भाशय कैंसर से संबंध बताया गया था। स्टडी में पाया गया था जिन महिलाओं ने साल में 4 बार से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, उनमें गर्भाशय कैंसर होने की संभावना उन महिलाओं की तुलना में 2 गुना थी जिन्होंने इनका इस्तेमाल नहीं किया। गर्भाशय का कैंसर उपरोक्त कम पाया जाता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मिशेल के वकील बेन क्रम ने एक बयान में कहा, अश्वेत महिलाएं लंबे समय से ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट्स का शिकार हो रही है जिन्हें उनके लिए मार्केट में उतारा गया है। फ्रांस की सौंदर्य प्रसाधन की दिग्गज कंपनी लॉरियल की US ब्रांच से हर्जाना मांगा गया है। वकील ने साथ ही कहा, हमें देखने को मिलेगा कि मिशेल का मामला अनगिनत मामलों में से एक है जिनमें कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अश्वेत महिलाओं को गुमराह कर रही है। लॉरियल ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।